ओ नो, देखो देखो ये क्या हो गया है। ये तो इस बच्चे की गर्दन कहाँ चली गई है। ओ माय गॉड, देखो इस बच्चे के सर पर तो इसकी गर्दन ही नहीं है। ओ माय गॉड, और देखो ये तो मुझे सिट्टू बेटा लग रहा है। ओ इसकी तो गर्दन कहाँ चली गई है। और देखो इधर तो, अरे ये तो बिट्टू बेटा की भी गर्दन नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो सिट्टू बेटा और बिट्टू बेटा के दोनों की गर्दन ही नहीं है। चलो चलो पता लगाते हैं इनकी गर्दन कहाँ चली गई है। लगता है कोई चुड़ैल उठा कर ले गई है। चलो चलो पता करना पड़ेगा, पहले घर की छत पर चलकर देखते हैं। अरे अरे घर के छत पर तो ये प्यारे से पांड आए हुए हैं और इधर भी ये पीले रंग का पांड आया हुआ है। इन दोनों के पास तो गर्दन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चलो चलो घर के बराबर में चलकर देखते हैं। अरे यहाँ तो सिट्टू और बिट्टू बेटा की मम्मी ये तो किचन में काम कर रही हैं। देखो देखो ये तो कढ़ाई रखी हुई है और ये तो फ्राई पैन भी रखा हुआ है और ये तो बटर की टिक्की भी रखी हुई है, पर सिट्टू और बिट्टू बेटा की गर्दन तो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। चलो चलो, अरे इधर तो उनकी स्कूटर और गाड़ी भी यहीं पर खड़े हुए हैं। चलो सिट्टू बेटा की मम्मी से पूछते हैं। मम्मी जी गर्दन कहाँ गई गई? सिट्टू और बिट्टू बेटा की कोई जानवर तो नहीं ले गया उठाकर? अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता, शायद कोई जानवर ही ले गया होगा। सुबह सुबह जोर जोर से शेर की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और मैंने तो दोनों बच्चों को घर में ही छुपा रखा था। बेटा तुम जल्दी से ढूंढ कर लाओ, मेरे बच्चों की गर्दन कहाँ चली गई है। ठीक है आंटी जी, तुम चिंता मत करो। चलो चलो मैं पड़ोस वाले घर में जाकर देखता हूँ कहीं उनके पास तो नहीं है। अरे चिंटू और मिंटू घर तो बराबर में ही है। चलो चलो इनके घर के अंदर देखते हैं। अरे घर के अंदर तो ये जादूगर खड़ा हुआ है और घर के बाहर ये आंटी कौन खड़ी हुई है। चलो चलो इन्हें देखते हैं। अरे मैं तो चुड़ैल हूँ, मैं तो चिंटू और मिंटू को खाने आई हूँ और खा जाऊंगी। अरे आंटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो आंटी जी? अरे चिंटू और मिंटू तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तुम उन्हें मत खाना। नहीं, मैं और मेरी बहन तो दोनों उन्हें खान खाने आए हैं। अरे तुम्हारी बहन भी आई हुई है? मेरी तो बहन भी आई हुई है, चुड़ैल है वो भी, उसे देखो बराबर में खड़ी है। चलो चलो इनकी बहन को भी देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी बड़ी आंखों वाली चुड़ैल है। मैं तो सिट्टू और बिट्टू और चिंटू और मिंटू सबको खा जाऊंगी आज। हा, मैंने तो दोनों बच्चों को छत पे बैठा दिया है। चलो चलो दोनों बच्चों को छत पर देखते हैं। अरे चिंटू बेटा तो यहाँ बैठा है और मिंटू बेटा यहाँ बैठा है, पर सिट्टू बिट्टू बेटा की गर्दन तो यहाँ भी नहीं है। और देखो इन दोनों के तो पानी पीने के गिलास भी यहीं पर रखे हुए हैं और ये दोनों बच्चे तो बड़े शांत बैठे हुए हैं, वरना यार नीचे आएंगे तो दोनों चुड़ैल उन्हें खा जाएंगी। चलो चलो इन बच्चों की हेल्प भी हमें करनी पड़ेगी और सिट्टू और बिट्टू बेटा की गर्दन भी ढूंढनी पड़ेगी अभी तो। चलो चलो घर के बाहर जंगल की तरफ चलकर देखते हैं। चलो चलो, अरे ये देखो, ये तो सिट्टू और बिट्टू बेटा की गर्दन हमें मिल गई है। देखो यहाँ तो शेर सिट्टू बेटा की गर्दन को खा रहा है और ये गंदे वाला गेंडा तो बिट्टू बेटा की गर्दन को खा रहा है। ओ माय गॉड, इन दोनों जानवरों ने तो दोनों बच्चों की गर्दन को पकड़ रखा है। ओ नो, अब क्या होगा? हमें तो इन दोनों की हेल्प करनी पड़ेगी, वरना ये दोनों जानवर तो इन दोनों प्यारे से बच्चों की गर्दन को ले जाएंगे और ये फिर खाना कैसे खाएंगे। चलो चलो इन दोनों जानवरों को भगाना पड़ेगा यहां से। और चलो चलो उसके लिए हमारे पास देखो कितनी बड़ी बंदूक आई है, आज इस बंदूक की हेल्प लेनी पड़ेगी और इन दोनों जानवरों को जंगल में भगाना पड़ेगा मार मार कर। तो चलो चलो इस बंदूक की हेल्प से पहले शेर को मारते हैं। चलो वाह, देखो शेर को तो गोली लग गई है और शेर को तो भागना पड़ेगा अब यहाँ से। हटो शेर, जाओ तुम, जाओ जल्दी से, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वाह देखो शेर तो जंगल में भाग गया है, अब इस गैंडे की बारी है। चलो चलो इस गैंडे को भी मारते हैं। अरे वाह देखो गैंडा तो गिर गया है, चलो इस गैंडे को भी जंगल में भगा देते हैं। जाओ भागो तुम यहाँ से, भाग जाओ। अरे वाह वेरी नाइस, देखो देखो अब इन दोनों प्यारे से बच्चों की गर्दन को इनके सर पर और इनके कपड़ों के ऊपर लगा देते हैं। चलो चलो पहले सिट्टू बेटा को लगाते हैं। वाह देखो देखो सिट्टू बेटा की गर्दन तो कितनी प्यारी लग रही है और ये कितने खुश भी हो रहे हैं। अब बिट्टू बेटा की बारी है। चलो चलो बिट्टू बेटा अब तुम भी अपनी गर्दन को यहां पर लगा लो और आराम से घर के बाहर ही बैठे रहना, वरना तुम्हारी मम्मी दोबारा से नाराज हो जाएंगी तुम कहीं और चले जाए तो, वरना जंगल से दोबारा शेर आकर तुम्हारी गर्दन को ले जाएगा। अब दोनों बच्चे यहीं पर बैठे रहना
और मम्मी जो रसोई में खाना बना रही हैं ये ही खा लेना। चलो चलो अब इन दोनों चुड़ैलों से चिंटू और मिंटू बेटा को बचाते हैं और जल्दी से किसी बाबा को पकड़ कर लाते हैं। अरे बाबा तो उधर गाड़ी में जा रहे हैं, चलो चलो बाबा को पकड़ कर लेकर आते हैं। अरे वाह ये तो डंडी वाले बाबा हैं, चलो चलो इनसे बात करते हैं। बाबा बाबा, अरे डंडी वाले बाबा, ये तो हमारे दो बच्चों को चुड़ैलों ने पकड़ लिया है, उनकी हेल्प कर दो जरा। हाँ बेटा क्या बात है, बताओ बताओ, मैं जरूर हेल्प करूंगा, मैं तो चुड़ैलों को डंडे से मारकर भगा देता हूँ। चलो 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 जल्दी बताओ कहाँ है वो चुड़ैल। हाँ बाबा चलो चलो हम तुम्हारी गाड़ी लेकर चलते हैं। वाह देखो देखो बाबा तो अपनी गाड़ी लेकर तुरंत चुड़ैलों को मारने के लिए चल दिए हैं। अरे वाह वेरी नाइस, बाबा तो चुड़ैलों घर पर आ गए हैं, अब देखो चुड़ैलों की पिटाई होने वाली है। अरे बेटा पहले मुझे गाड़ी से नीचे तो उतारो। ठीक है बाबा तुम्हें गाड़ी से नीचे उतारते हैं, चलो चलो। वाह वेरी नाइस, देखो देखो बाबा तो गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, अब इन चुड़ैलों की पिटाई की बारी है। चुड़ैल भाग जाओ यहाँ से, अब बाबा आ गए हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो खा जाऊंगी। रुको बेटा अब मैं चुड़ैल भगाता हूँ इसे, रुको। अरे वाह बाबा तो डंडा लेकर आ गए हैं, अरे देखो चुड़ैल की तो पिटाई हो रही है। अरे वाह चुड़ैल तो गिर गई है। अरे बाबा, अरे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो, मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से। अरे बाबा छोड़ दो, अरे बाबा छोड़ दो, अरे बाबा और मत मारो बाबा, छोड़ दो मुझे, अरे बाबा और मत मारो, छोड़ दो, मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। अरे बाबा, अरे देखो देखो चुड़ैल तो तुरंत भाग गई है, और अब इस बड़े चुड़ैल की पिटाई की बारी है। ले चुड़ैल अब तू भी डंडा खा, बाबा तो डंडा लेकर आ गए। अरे बाबा, अरे बाबा मुझे मत मारो बाबा, छोड़ दो बाबा, छोड़ दो, अरे अरे मैं तो जा रही हूँ बाबा, यहाँ से जा रही हूँ। अरे वाह देखो देखो अब तो ये चुड़ैल भी भाग कर जा रही है जल्दी से। अरे मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे यहाँ पर वापस, मैं नहीं आऊंगी, ये तो डंडे वाले बाबा मार मार कर भगा देंगे। अरे देखो सिट्टू और बिट्टू बेटा तो खुश हो रहे हैं, चलो चलो इन्हें नीचे बिठा देते हैं घर के बाहर। अब जल्दी से घर के अंदर चले जाना और किसी की बात मत मानना, अपने घर के अंदर ही बैठे रहना, क्योंकि ये चुड़ैल तो दोबारा आ जाती है, और इस जादूगर का ड्रम सुनते रहना तुम दोनों बच्चे, और यहीं पर बैठना और अपने गिलास भी यहीं पर रख लो, जो भी मम्मी खाने पीने को दे यहीं पर खाते रहना दोनों बच्चों। चलो चलो देखो अब तो दोनों बच्चे घर के अंदर आ गए हैं, और इनकी घर की छत पर तो देखो प्यारी सी डक बैठी हुई है, और ये बिल्ली मौसी भी बैठी हुई है, और घर के बराबर में तो सिट्टू और बिट्टू बेटा की भी गर्दन जुड़ गई है, और इनके घर के बराबर में तो देखो ये तो डोरा आई हुई है। चलो चलो डोरा अब नाच कर दिखाओ जल्दी से। वाव वेरी नाइस, देखो देखो तो इन दोनों बच्चों की भी गर्दन जुड़ गई है, और ये इनकी मम्मी खाना बना रही हैं, और ये देखो सिट्टू तो बेटा इस स्कूटर पर बैठकर अपने नानी के यहाँ जाते हैं, और बिट्टू बेटा अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। चलो चलो अब आगे कहानी में देखते हैं और क्या होने वाला है, अभी तो बहुत मजा आएगा।